السلام عليكم يار، بانك انتصار. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر. دوستو، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی 2 دن پہلے، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی کا اجرا کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن کمرشل بینکس کو بھیج دیا گیا ہے، جس کے تحت ایسے تمام بزنسز جن کے پاس ورکرز ہیں اور وہ ورکرز کی سیلریز پے نہیں کر سکتے، تو ان کو اسٹیٹ بینک لون کی صورت میں ریلیف پرووائڈ کرنے جا رہا ہے، اور یہ لون آپ کمرشل بینک سے بہت ہی سبسیڈائزڈ یعنی سستے ریٹس پر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے کمنٹس کیے ان کو پریشانی آ رہی ہے، 2-4 کوئسچنز ہیں ان کے جن کا ہم آنسر دینے کی کوشش کریں گے. تو پہلا کوئسچن یہ ہے کہ یہ صرف بڑے بزنسز کے لیے ہے، چھوٹے بزنس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. ایک ایسے بزنسز جن کا جو ویجز کا ایکسپنس ہے نیکسٹ 3 منتھس کے لیے وہ 20 کروڑ تک ہے، یعنی 20 کروڑ تک ہے. آپ کا 5 لاکھ ہو سکتا ہے، 10 لاکھ ہو سکتا ہے، 20 لاکھ ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ 20 کروڑ ہی ہونا چاہیے، آپ کا اس سے کم بھی ایکسپنسز ہے تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں، آپ لون حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا پیٹرول پمپ ہے، آپ کے پاس 20 ورکر ہیں، پیٹرول پمپ بند ہے آپ کا، اور وہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو آپ نہیں چلا رہے، جو ورکرز ہیں ان کی ویجز نہیں آپ ادا کر پا رہے، تو آپ لون حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا ایک جنرل سٹور ہے، آپ کے پاس 10 ملازمین ہیں، تو آپ ان کی سیلریز پے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کا سٹور بند ہے، تو آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں. تو دوسری کیٹیگری میں ایسے بزنس تھے جن کا 20 کروڑ سے 50 کروڑ کے درمیان میں ویج ایکسپنس ہے نیکسٹ 3 منتھس کے لیے، تو وہ بھی اپنے بزنس کے لیے اپنے ورکرز کو سیلریز دینے کے لیے 75% اس ایکسپنس کا لون لے سکتے ہیں. تیسری کیٹیگری میں بڑے بزنس آئیں گے جن کا ویج ایکسپنس نیکسٹ 3 منتھس کے لیے 50 کروڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو ये बड़े बिजनेसेस शुमार होंगे और वो भी 75% ऑफ देयर एक्सपेंसेस लोन हासिल कर सकेंगे. तो इसमें छोटे बिजनेसेस भी शामिल हैं, दरमियाने लेवल के बिजनेस भी शामिल है, बड़े बिजनेसेस भी शामिल है, लेकिन फोकस जो है वो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का इस वक्त मोटो है, ताकि जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं वो ले ऑफ ना हो. अगर आपके पास कोई वर्कर नहीं है तो ये आपके लिए लोन नहीं है, क्योंकि आपने किसी को सैलरी प्रोवाइड ही नहीं करनी. आपकी छोटी शॉप है, दुकान है, आप खुद मालिक हैं, आपका कोई मुलाजिम नहीं है, तो ये लोन आपके लिए नहीं है. ना ही ये लोन नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है, आप नया सेटअप बनाना चाहते हैं तो ये बिजनेस लोन उस पर्पज के लिए नहीं है कि आपको नया सेटअप बनाने के लिए मदद दी जाए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं जिनके पास मुलाजमीन है उनके लिए ये लोन है. और क्या, अगर आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, आपके पास मुलाजमीन मौजूद हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी सैलरीज पे नहीं कर पा रहे, तो भी आप ये लोन फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से ये है कि आप ऑलरेडी बैंक से लोन हासिल किया हुआ है आपने, तो आपके पास और प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जिसको प्लेज करा के आप लोन हासिल कर सकें. तो स्टेट बैंक ने इसको एड्रेस किया है और कहा है कि जो बैंक्स जब भी लोन देते हैं तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराते हैं वो उसमें बहुत हैवी क्वेश्चन मौजूद होता है, यानी अगर 50 लाख लोन दे रहे हैं तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लेज कराते हैं, तो बाकी जो 50 लाख है वो एज अ क्वेश्चन रखते हैं, तो उस क्वेश्चन को अवेल करते हुए भी आप लोन हासिल कर सकते हैं. अगर कमर्शियल बैंक आपको रिफ्यूज़ कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, आपको रीज़न समझ नहीं आ रही है, तो आप स्टेट बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ये ट्विटर अकाउंट पर ही स्टेट बैंक ने प्रोवाइड कर दिया है ये नंबर, और कहा है कि कोई भी इशू है आपको, कोई मालूमात चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आप अपना प्रॉब्लम बताएं. और एक दोस्त ने कमेंट भी किया है कि स्टेट बैंक वाले बहुत एहसन तरीके से आपको डील कर रहे हैं, तो जो भी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसमें रत्ती बराबर मेरे तरफ से कोई बात शामिल नहीं है, जो भी बातें हैं वो स्टेट बैंक की तरफ से हैं. स्टेट बैंक के ट्विटर अकाउंट पर आप देख सकते हैं, या उनका जो वीडियो मैसेज जारी किया है रजा बाकर ने
उसमें आप देख सकते हैं। तो रेट्स क्या है, जो फाइलर के लिए रेट्स हैं वो 4% है लोन पर, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 5% तक इस लोन पर मार्कअप रेट है। 6 महीने तक आपने कोई इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट की पे नहीं करनी, सिर्फ मार्कअप आपने देना है, और फिर नेक्स्ट 2 साल में आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है। तो ये रीफाइनेंसिंग स्कीम है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आगे आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप स्टेट बैंक से ज़रूर कांटेक्ट करें, अपने बिजनेस की डिटेल बताएं। कोई और आपका क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट करें ताकि उसका आपको जवाब मिल सके। तो ऐसे तमाम बिजनेसेस जिनके पास मुलाजिम मौजूद हैं और वो लॉकडाउन की वजह से मुलाजमीन की सैलरीज नहीं पे कर रहे, ये लोन कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली उन बिजनेसेस के लिए है। होपफुली आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।